Welcome to my YouTube channel, The Brown Daughter. I am Janvi Tiwari and welcome to my 22nd birthday vlog. मैंने ये vlog बहुत पहले start करी हूँ क्योंकि पता नहीं बस मेरा मन कर रहा था, so I thought of vlogging. तो मेरा birthday है 3rd को और आज है 31st और 1st को हमें निकलना है एक काम के लिए, हमें अहमदाबाद जाना है तो वो पूरा दिन मेरा skip हो जाएगा. And 2nd को I will be leaving with my friends, so I'm super excited. Good morning. Good morning. आपको कैसा लग रहा है मम्मी, आपकी छोटी बेटी 22 years की हो जाएगी? ये अच्छा लग रहा है, मेरा बच्चा बला होने जा रहा है. लेट्स स्टार्ट आवर डे. हम पहले खाते हैं कुछ बढ़िया सी चाय भाकरी जैसा, क्योंकि हम बहुत ट्रैवल करते हैं तो हमें हर दिन घर में आके चाय भाकरी ही खानी होती है. अभी फिर से 2-3 दिन इन लोग को बाहर जाना है. ऑल्सो गाइज, ये बार मैंने मेरे बर्थडे पे बाल नहीं कटवाए. अच्छा, लंबे रखे. अभी तो मैंने थोड़े कर्ल किए थे, 2 दिन पहले स्टाइल किए. मैंने तो इतने बाल कर रखे थे. मम्मा ने ना मेरे कमर से नीचे बाल रख रखे थे ऐसे करके. मम्मी मुझे छोटी करके भेजा करती थी रिबन लगा के, बट अब तो मैनेज होते मुझसे. बट स्टिल मैंने थोड़े बहुत लंबे किए. प्रोबेबली नवरात्रि के बाद देखूंगी अगर कटवाने या नहीं. ऑल्सो आर मॉर्निंग डोज ऑफ एंटरटेनमेंट. छोटे बेबीज को देख के ना आपका ऐसे पूरा दिमाग शांत हो जाता है मुझे, क्योंकि हमारी फैमिली में कोई छोटा बेबी बेबी है भी नहीं. हाँ, सो दिस लिटिल पीस ऑफ क्यूटनेस इज हियर. दिस लिटिल पीस ऑफ चाट भंडार. हाँ, दीदी ने इसका नाम दिया चाट भंडार. ये चाट भंडार एक गोलगप्पी है, ये पूरी है और खेलता भी खूब मस्त है. हाँ, थोड़ा हंस के बता दो, थोड़ा हंस दो. देखो, सो ऑल्सो मैंने सारा PR निकाल लिया है जो मुझे फिल्म करना है. आई एम गोइंग टू टेक शावर फर्स्ट एंड देन आई विल बी रिकॉर्डिंग ऑल ऑफ दिस. गाइस, डन विद द शावर. आई एम डूइंग ट्रायल क्योंकि मुझे ये जो है ना ये ऐसे बहुत ढीला हो रहा है तो मैं इसको फिट करवा रही हूँ. एंड इट इज लंच टाइम गाइस. इट इज द सेम डे और मेरे लिए ऑलरेडी चीजें आने लग गई है. आई हैव सम गिफ्ट जो मुझे देखना है क्या आया है. लेट्स सी, हियर इज माई फर्स्ट गिफ्ट From Mridul. Oh my God, that's so sweet. Ronak Jiju and Mridul Didi, thank you. आगे बढ़ने से पहले आई वॉन्ट टू टॉक टू ऑल अबाउट वन थिंग. सो हर बर्थडे पे ना मैं हेयर कट करवाती हूँ, बट दिस टाइम आई एम नॉट इन अ मूड टू डू सो. मुझे थोड़े मेरे बाल लंबे करने हैं, नवरात्रि एंड ऑल आ रही है और मुझे बहुत सारा हेयर फॉल हो रहा है. सो आई गॉट माई हैंड्स ऑन दिस अमेजिंग रेंज बाय लॉरियल प्रोफेशनल. आई हैव बीन यूजिंग दिस लॉरियल प्रोफेशनल डेंसिटी एडवांस शैम्पू एज इट क्लेंजेस माई स्कैल्प रियली वेल एंड रिमूव्स ऑल द एक्सेस ऑयल अलॉन्ग विद माई ऑल टाइम फेवरेट लॉरियल प्रोफेशनल द एब्सोल्यूट रिपेयर हेयर मास्क. दिस डीपली नरिशेज माई हेयर एंड मेक्स इट हेल्दी. एंड डन विद द हेयर वॉश एंड द शावर आई फील सो गुड. इट्स टाइम फॉर द न्यूएस्ट एडिशन इन माई हेयर केयर रेजिम. इट्स दिस इट्स द न्यू लॉन्च लॉरियल प्रोफेशनल MNXL एडवांस्ड हेयर सीरम. ये ना प्रोफेशनली बिल्ड किया गया है टू रिड्यूस हेयर फॉल एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक. इट इज वेरी सिंपल टू अप्लाई और ये ना मैं मेरे वॉश्ड हेयर पे यूज करती हूँ. सो ऑल यू हैव टू डू इज सेक्शन योर हेयर एंड देन स्प्रे इट एंड देन मसाज इट इन योर स्कैल्प एंड दैट्स इट. It has 1.5% MNXL which reduces hair fall and strengthens hair fiber which makes your hair stronger and fuller. I've been using it for past 6 weeks and it claims that it reduces hair fall in just 6 weeks and it's definitely true. I started noticing phenomenal changes in my hair. Hi guys, good morning and welcome to my YouTube channel, The Brown Daughter. I'm Janvi Tiwari and welcome to my 22nd birthday vlog. So, मैंने मेरे चैनल पे मेरा 17th birthday, 18th, 19th, 20th, 21st and now this is the 22nd birthday that we are going to be celebrating together. आज है 2nd September और अभी हम जा रहे हैं नासिक. मेरा ग्रुप और दीदी का ग्रुप जा रहा है. I love these people. इनके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है. So, let's go. We'll be back tomorrow so that I can celebrate my birthday with family. Family as well, so perfect combination of friends and family होने वाला है. I'm running a little late. चलो चलते हैं. So excited, so happy. I'm not excited for my birthday, but I'm excited for this vacation. Like friends के साथ time spend करना नहीं मिलता. Now it's a luxury. So let's go. Good morning. मामा मैं कल आती हूँ और हम कल बढ़िया से डिनर पे चलते हैं, ठीक है? गुड मॉर्निंग सिटी. आपके बाद ये वाली पत्नी मैं लूंगी. गुड मॉर्निंग बच्चों. तो मामा हम जाके आते हैं. विल मिस यू. चलो लेट्स गो. कैसे? लेट्स गो.
कि वी आर ऑन आवर वे टू बिग फ्रेंड्स. तो दो गाड़ी जा रही है, एक के अंदर 5 लोग इंक्लूडिंग मी और मेरे फ्रेंड्स, और एक गाड़ी में 4 लोग जाने वाले हैं. ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेंड्स है जो बहुत फन होता है. ये ना बहुत ही मजा आती है ये लोगों के साथ. वी मीट वेरी रेयर. हाँ, बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं, बट जब जाते हैं ना हमारी बहुत अच्छी मेमोरीज है. सो लेट्स गो, लेट्स सी हाउ इट गोज. हमने बहुत ब्यूटीफुल सा विला बुक किया है. हमें 6 घंटे लगेंगे यहाँ से नासिक पहुँचने में. सो लेट्स स्टार्ट. आई फील वेरी ब्यूटीफुल दिस टाइम. कि नॉर्मली ऐसा होता है बर्थडे में ना, मैंने थोड़ी बहुत चीजें प्लान की हुई होती है, बट इस बार ऐसा है कि हमें पता है क्या हो रहा है हमारे बर्थडे पे. नॉट जस्ट माइन, दीदी के भी हमने डिसाइड कर रखा है. इट्स जस्ट दैट नाउ आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम. आई एम नॉट लाइक इन टू सरप्राइजेज एनी मोर मे बी, क्योंकि अभी थोड़े बड़े हो गए. मुझे गुजराती एंड नास्तो गोज टूगेदर. ओ शिट, मैं ट्राइपॉड लाना भूल गई. व्हाट इज दिस कैमरा. ओ क्यूट. कैंडिडेट नंबर 1, कैंडिडेट नंबर 2, कैंडिडेट नंबर 3 इज वॉकिंग देयर. दिस इज आवर फेवरेट ऑल टाइम कैंडिडेट एंड 1 इज कमिंग फ्रॉम द कार. हम हर गुजराती हैं, हम हर शुभ काम की शुरुआत परेशान से करते हैं खाने से. गाइस जान मेरे बहुत लेट है और वो बहुत पंचुअल है. थैंक यू. देखिए गाइस, लेट लतीफ लोगों की शक्ल कुछ ऐसी दिखती है. आपने हेलो विवेक भैया, हेलो. इतना लेट कौन करता है? थैंक यू सो मच. इतना लेट कौन करता है? लेट नहीं किया, 3 लोगों की लड़ाई चल रही थी, मैं देख रहा था. झूठ बोल रहे हो, झूठ. हेलो उज्ज्वल भैया, हाउ मच नाश्ता इज टू मच नाश्ता. तो दीदी और दीदी के फ्रेंड्स इस गाड़ी में और मेरे फ्रेंड्स इस गाड़ी में. गाइस जय माता दी, लेट्स गो. इट इज सो मच फन, बहुत मजा आ रहा है. गाइस रुशी बीइंग मॉम, आपको चाहिए? आपको चाहिए? जबान है ना. लोग बर्थडे पे क्या क्या पीते हैं? हम पी रहे हैं अमूल मस्ती. जो मैग्नाइट आगे निकल गई, जल्दी चल. एंड यहाँ पे हम भी नए हैं चाय. वो देखो भाग के अपना ब्लॉगिंग कैमरा लेके गई है. जिस बेटी की रुचि बना के दे तो मैं भी खा लूं. अबे मिला है जाम भैया. भैया अबे रुका है, पूछ. एंड वी मेड इट. गाइस दूसरी गाड़ी आ चुकी है. वेलकम गाइस, वेलकम वेलकम गाइस, वेलकम ब्लॉग. अरे तुम चलो, अभी तुम्हें इतने मजे आएंगे. चलो जानवी. यार पानी तो बहुत ही पास है. हाँ. ओ नाइस, ओ वाओ भाई जोरदार. पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में. ब्रेक लगाई है, ब्रेक. जानवी को स्विमिंग पूल बहुत पसंद है. भाई पानी मतलब 100 मीटर भी नहीं है ये. गाइज यहाँ से आपकी कार आती हैं और आपको कुछ ऐसा व्यू मिलता है 360. यहाँ पे गार्डन है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी. मेन एंट्रेंस से एंटर करता है, बहुत ब्रेटी. द प्लेस इज रियली गुड, दैट इज अ वेरी गुड थिंग. यहाँ पे शू रैक रखे हुए हैं. यस, ऑन द गाइस वी हैव ह्यूज ड्राइंग रूम. हाँ, और यहाँ पे आपको लोग मिलेंगे एक्सप्लोर करते हुए. स्टैचू बन गए. ये यहाँ पे बदत भी बैठी है. यहाँ पे इन्होंने मेन्यू वेन्यू लिख रखा है और बहुत बड़ा सा किचन है. मुझे एक मिनट, ये बहुत सुंदर लग रहा है. दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. वी हैव मोर क्रॉकरी हियर. नाउ कम्स द बेस्ट पार्ट, नॉट यू गाइस. वी हैव पूल और यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, आप यहाँ से बैठ के खा पी सकते हो. एंड द व्यू इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड दैट्स द गार्डन एज वेल.
तो ये आपको बाहर से भी मिल जाएगा और अंदर से भी मिल जाएगा। भैया इसकी डेप्थ क्या है? साढ़े चार हम पूरे डूब जाएंगे। यहाँ पे झूला वगैरह भी उन्होंने वहाँ पे भी झूले रखे हैं देख। यस और झूले वगैरह में मोर एरिया सिटिंग एरिया एंड एंजॉय द व्यू बिकॉज द व्यू इज वेरी नाइस। नाउ वी हैव थ्री बेडरूम। I need to show you that. यहाँ पे भी हैव वन मोर डाइनिंग टेबल अगर आपको अंदर बैठ के खाना खा सकते हो। एंड देन वी हैव स्टेयर्स हियर, हियर वी हैव वन मोर वॉशरूम एंड देन वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल सी पाथवे और यहाँ पे ना प्लांट्स लगे हुए हैं बहुत अलग और ब्यूटीफुल है। एंड देन वी हैव अ मास्टर बेडरूम ऑन द ग्राउंड फ्लोर एंड दैट्स हाउ इट लुक्स। बहुत ज्यादा वॉकिंग स्पेस है एंड आई लव द मिरर। वेरी मिनिमल एंड इंडियन एस्थेटिक दे हैव व्हिच आई रियली लाइक। एंड देन बहुत ब्राइट रूम है और सब कुछ ना कनेक्टेड है। आप वापस जा सकते हो यहाँ से स्विमिंग पूल वाले एरिया में और यहाँ पे वॉशरूम है। नाइस वेरी क्लीन वॉशरूम। नॉट स्पॉन्सर्ड दिस प्लेस, आई एम जस्ट गिविंग अ बेसिक विला टू क्योंकि पैसे खर्चा मैंने। ये रही स्टेयर्स। सो जैसे हम ऊपर आते हैं वी हैव अ रूम ऑन आवर राइट हैंड साइड एंड दैट्स द ब्यूटीफुल रूम। ये हमारी गर्ल्स का ही हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। काफी ब्राइट है और यहाँ से ना मस्त पानी दिखता है तो ये तो बहुत ही प्रिटी रूम है। अगेन वी हैव वॉशरूम एकदम से नीचे था वैसा ही ऊपर है और एक बेडरूम है सामने एंड दैट्स द थर्ड रूम। ये नॉट टाइट है बट मस्त है और नीचे गाने बजने लगे हैं क्योंकि अब हम तैयार हो रहे हैं पूल में जाने के लिए विच इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट फॉर मी। लव चलो जानवी मैडम ने आते ही कंगा शंगा करना चालू कर दिया है। यहाँ हम टाइम पास करते हुए सब इतने हाथ थक गए थोड़े से 5-6 घंटे की जर्नी से। विल सी यू वंस वी आर रेडी फॉर द पूल एंड आई एम ऑल रेडी फॉर द पूल। चलो चलते, बहुत सारी सनस्क्रीन लगा ली है, सब लोग यहाँ तैयार है, लेट्स गो। सबने बहुत क्यूट टेनिस स्कर्ट पहन रखी है एंड दैट्स माय आउटफिट। यार पूल में आई डोंट लाइक वेयरिंग नाइट ड्रेसेस, आई वांट इट टू बी अ पूल आउटफिट एंड दैट्स माय आउटफिट। दिस इज अ बॉडी सूट और ऊपर से मैंने शॉर्ट्स डाल लिए हैं क्योंकि नॉट सो कंफर्टेबल एंड लेट्स गो। वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, जान है अब क्या करें एंड वी आर पूल रेडी। चलो खाना आ चुका है, जेन नॉन जेन यहाँ पे है, गर्मा गर्म रोटियाँ और हमारी बर्थडे गर्ल ले रही है फोटोज। खाना आ गया है, पहले खाना खाएंगे फिर हम पूल में जाएंगे। यार तू हमें उल्टा करना चाहिए। ठंडी लग रही है हमें, ठंडी। और ये लोग देखो, इन लोगों को बस अपना ही खेलना है। हम ना पुल से निकल चुके हैं और हम यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं, ड्राई हो रहे हैं एंड देन विल गो टेक शावर एंड गेट रेडी फॉर द नाइट। एंड रूसी वहां से हमारी फोटो ले रही है। And guys, I'm back now. I need to take shower and get ready. So I'll see you once I'm done with the shower. यहाँ पे चल रहा है मेरा मेकअप। Guys, I am all ready and so is Yashvi. The birthday girl is ready. Yes, that's my outfit. बहुत डिफरेंट वाइब है बट एवरीवन इज लुकिंग वेरी प्रिटी। जानवी ने एजेंडा बनाया था वो हमें खाना नहीं देने वाली थी, हम तैयार नहीं होते। मेरे को सबको तैयार करना था क्योंकि पैसे खर्चे मैंने। Guys, it is 12:15 and I'm getting so many calls, so many messages. Thank you so much. It means a lot to me. जब भी कोई मुझे birthday पे wish करता है, it makes me feel so special. Thank you. Guys, good morning. It is the next day. I just woke up और बहुत सारा lash glue लगा हुआ है। कल हमने बहुत मस्ती की, नाचे गाए and then we went to sleep. And right now it is 10:00. सब उठ गए हैं। हमने चाय पोहा मंगवाया है, so चलो खाते हैं and then निकलते हैं। Good morning, buddy. Happy birthday to you. Happy birthday.
गाइज दिस इज सो ब्यूटिफुल. हम बस बैठ के बातें कर रहे हैं. मेरा बहुत मन है वापस स्कूल में जाने का, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है. डाल दे बिचारी. अभी जाने जा तू. चला जाने बेटा. मेरे को रबर बन. स्कूल में आ गए सुबह सुबह, कोई प्लान नहीं था, बट मुझे और यशवी को धक्का मार दिया गया. खुद तो ये लोग बड़े बंटन के जूते वूते पहन के खड़े हैं. सब पूल में से निकल चुके हैं. जल परी अभी तक नहीं निकले, मैं घर के लिए भी निकलना है. मेरा बर्थडे अगर पूल में गया ना तो अभी मेरी हैप्पी टाइप ऑफ पर्सन आया. ये सबकी शुरुआत इसके बचपन से हुई थी. इसके बचपन से टैंकी में डाल दिया था, तो तब से इसके पूल का बहुत शौक है. गाइस ट्रिगर वार्निंग, अगर आपको स्नेक्स रेप्टाइल्स नहीं पसंद है तो 20-30 सेकंड स्किप कर दो वीडियो. अभी तक ये मूव नहीं कर रहा था, अभी ये मूव भी कर रहा है. बहुत धीरे धीरे बाहर आ रहा है भैया, बट ये बहुत बड़ा है. आप लोग मत करो कुछ, प्रोफेशनल हेल्प लो. व्हाट? एंड वी आर गेटिंग रेडी. और वहाँ पे लोग स्नेक्स को ही देख रहे हैं. यहाँ पे वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट स्नेक ओनली. आप देख रहे हो किसके बर्थडे पे सांप निकल रहे हैं. सबको पर्सनली इन्वाइट करना पड़ता है. एक तो आप इधर आओ, तू उधर जा ऋषि के पास, मैं इधर आऊंगी. बाय बाय ब्यूटीफुल विला, लेट्स गो. चलो यार वेकेशन जल्दी खत्म हो गया है ना भाई, बहुत जल्दी हो गया. मेरे को तो और एक दिन चाहिए था इधर. पिछली बार भी सेम हुआ था. सो क्यूट दे आर. मजे मार लिए हमने व्यू के साथ. अब हम वापस चलते, नहीं तो हमें खाने को नहीं मिलेगा. एंड इट इज लंच ब्रेक टाइम. हम ना काफी देर से चल रहे हैं, मोर 1.5-2 hours जितना हमें जर्नी कवर करनी है, बट इट्स ओके आई गेस. एंड द लंच इज डन. ये देखो हमने कितनी छाछी पी रही है और भी अभी लोग पी रहे हैं. गुड जूस एट गुड लंच. I'm so excited, so nervous. चलो पहले तो चल के रिकॉर्ड देखते हैं. मैंने वीडियो कॉल पे वीडियोस में देख लिया है, but let's go and let's check out. मेरे कमरे में मुझे जाने दो please. पता कुछ तो तुमने किया है. क्या किया? अच्छा गेस करो. कुछ किया नहीं है. ये तो थी भी नहीं. अच्छा पता गेस कर हमने क्या किया. तुझे क्या गेस लगा? तुमने थोड़ा डेकोरेट किया होगा, बस मुझे यही पता. दूसरे वाले ने अपना हवा छोड़ दी है. I know what you are into. Thank you so much. जानू बड़ी मम्मी तेरे लिए फ्लावर्स लेके आए थे. Thank you बड़ी मम्मी. जानू तूने पढ़ा क्या क्या लिखा है? 521. Oh get ready with me for place to priorities. Nice, I love this. ये पापा चीफ गेस्ट जी, आप ही का इंतजार था. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे टू यू. उसको खिला दी. थैंक यू. हैप्पी बर्थडे. चल बस बहुत हुआ, देखो झेलना बहुत मुश्किल हो गया मेरा. लाइन लगाओ जानवर सबको. इट इज 10:30 राइट नाउ एंड आई एम गोइंग टू डू माई स्किन केयर, चेंज माई आउटफिट, बट आई फील सो गुड. लास्ट 24 hours वेर अमेजिंग. कितने लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, कॉल्स किए. माई फैमिली, माई फ्रेंड्स मेड इट सो स्पेशल फॉर मी. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू से थैंक यू. आई एम सुपर ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग. ऐसे दीदी जैसी बहन मिलना इज लाइक
बहुत अच्छे कर्म किए होंगे मैंने जो मुझे ऐसी बहन मिली है. I'm very happy, very grateful for things. So I just wanted to say that. Just appreciating mama's beauty. मम्मी खुद ही appreciate कर रही है. आज मम्मी को अपने आप में बहुत सुंदर लगता है. अपने आप में खुद को अच्छा नहीं लगता तो मुझे नहीं बस अच्छा. आज मैं कुछ ज्यादा ही अपने आप में सुंदर लग रही हूँ. आप लोग बताओ आंटी आज कैसे लग रही है. हेलो यू ऑल, इट इज द नेक्स्ट डे एंड आई एम ऑल रेडी फॉर फैमिली ब्रंच. मैंने बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनी है. दिस आई जस्ट गॉट यस्टरडे. दिस आउटफिट इज फ्रॉम द्री बाय हिमाद्री एंड इट इज सो क्यूट. आई फील रियली नाइस, वेरी मच माई वाइफ क्यूट इंडियन फ्रॉक. सो नाउ लेट्स गो. सब तैयार हो गए. मम्मी तो इतनी प्रिटी लग रही है. पापा ने भी मम्मी के साथ ट्विन कर रखा है. सो चलो लेट्स गो एंड लेट्स हैव सम गुड फूड एंड लेट्स स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद फैमिली. चलो सो दैट्स हाउ माय आउटफिट लुक्स. और नीचे मैंने व्हाइट हील और व्हाइट बैग भी कैरी कर रखा है. अब हम चलते हैं नहीं तो हम लेट हो जाएंगे. आ जाओ गाइज. आर यू रेडी टू सी आंटी? ओ माय गॉड. मम्मा ना पहले बहुत बड़ी बड़ी बिंदी लगाया करते थे और मम्मी पे इतना सुंदर लग रही है ये सारी. वाह मम्मी. ये देखो पापा भी ट्रेन कर रहे. सो प्रिटी. माई पेरेंट्स आर द प्रिटीएस्ट गाइज. वाओ. हमने फाइनल कर लिया है. हम जा रहे 0. मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी. मुझे ना एक ही जगह पे जाना बहुत पसंद है. मतलब मुझे पसंद आता है. तो मेरा मन था केस वरांदा जाने का बट अब हम जा रहे हैं 0. एंड हियर वी आर एट 0. खाना दे दो देवी जी. आपके बर्थडे पे ढंग का खाना. मैंने एक लोटस टेम ऑर्डर कर दिया है. अब अपना कर लो. बस जान गया आजकल वो ही कमल काकड़ी खाती है से. लोटस टेम गाइस यम्मी. गाइस ये लोग देखो इनको ऊट पटांग खाना है. कॉन्टिनेंटल. हाँ नॉट कॉन्टिनेंटल. यस वो तो हम हर रोज खाते रहते कुछ ऊट पटांग. गाइस द हीरो इज हियर. ये सबसे छोटा है गाइस. सबसे भोला है. हम सारे कजिन्स बहुत चंटे हैं. ये बेचारा बहुत भोला है. सोनू तो तेरी तारीफ हो रही है बहुत ज्यादा. वेरी रेयर मोमेंट अनु. यहाँ जाओगे. ये देखो ये स्कैन जैसा बना हुआ है. इस पे क्लिक करो और पीछे से. हाँ हो गया. मेन्यू. थैंक यू. वेलकम मम्मा. लेकिन मैं ना 2 दिन बाद फिर भूल गई. गाइज मम्मा यहाँ पे मस्त फोटोज ले रही हैं. और ये देखो दोनों ट्विन कर रहे हैं. सो प्रिटी गाइज. बर्थडे गर्ल डूइंग फोटो शूट एंड डन विद द लंच. बहुत मजे आ गए. मस्त खाना खाया. मस्त फोटोज वगैरह ली. नाउ वी आर हेडिंग बैक होम एंड दैट इज इट फॉर दिस व्लॉग गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक इट लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड विल सी यू इन आर नेक्स्ट वीडियो. बाई.